हॉरोस्कोप का सबसे तीन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है चंद्र, लग्न और सूर्य। यहाँ पर अगर एक बेस जजमेंट के लिए, अगर मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, एक सिंपल तरीके से देखने की, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, इसको सिंपल रखूँगा। सो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है, ये ASC जो होता है स्पेसिफिकली, ये ASC होता है एसेंडेंट, जिसको बोलते हैं लग्न। और यहाँ से सब काउंटिंग चालू होता है। ASC फर्स्ट हाउस होता है आपका, प्रथम भाव। ऐसे उसके जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव भाव जो होता है, इसको द्वितीय भाव बोलते हैं। ये होता है थर्ड हाउस, जहाँ वहाँ से ऐसे करते करते 12th हाउस तक। अब ये ईच हाउस एक एक चीज रिप्रेजेंट करता है। अब ये ईच हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल लग्न, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है देहम, रूपम, च ज्ञानम, च वर्णम, चैव बला बलम, सुख दुख स्वभावं च लग्न भाव निरीक्षित। ऐसे ऋषि पराशर बोलते हैं बृहत पराशर में। सो देह जो होता है आपका, रूप जो आप कैसे दिखते हैं, ज्ञान आप कितने ज्ञानी हैं, अज्ञानी है, ज्ञानी है, वो लग्न से पता चलता है। वर्ण, अब ये वर्ण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पर। अब वर्ण मतलब यहाँ पर जाति नहीं है, और जाति मतलब वर्ण नहीं, दोनों अलग अलग वस्तु है, ये बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो वर्ण हो गया। और हाँ, ये वर्ण सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो साधक लोगों के हैं उन लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके बाद एहम, रूपम, च ज्ञानम, च वर्णम, चैव बला बलम, जितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है एक इंसान में। सुख दुख, सुख मिलेगा दुख मिलेगा वो भी पता चलता है लग्न से। स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, चीटर है, सज्जन है, दुर्जन है, वो आपको लग्न से मालूम पड़ेगा। सुख दुख स्वभाव लग्न भाव निरीक्षित। अब आगे भी है, दूसरे शास्त्र, दूसरे बुक्स में अगर आप जाएंगे तो इसके जो सिग्निफिकेशंस है वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि भुवन देवी का बात करते हैं, रूप लक्षण वर्णानाम क्लेश दोष विस्खायुषम वय प्रमाण जाति नाम तनुस्थान निरीक्षित। तनुस्थान मतलब यहाँ पे अगेन लग्न की बात हो रही है। ऐसे करते करते आपको एक क्लासिक टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा कि हर भाव का एक एक क्या रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही सिमिलरली हर ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लग्न में ये ASC है, इस पर मून है, चंद्र। थर्ड हाउस में जुपिटर है, फोर्थ हाउस में वीनस और सन है, फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी है, सिक्स्थ हाउस में सैटर्न और राहु है, सेवेंथ हाउस में कोई ग्रह नहीं, एट्थ हाउस में कोई नहीं, नाइन्थ हाउस में मार्स है, टेंथ हाउस में कोई नहीं, इलेवेंथ हाउस में कोई नहीं, ट्वेल्थ हाउस में केतु है। तो अब क्या होता है कि ये जो ग्रह है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पाप ग्रह और पुण्य ग्रह। पाप ग्रह क्या करते हैं, जहां पर भी जो भी भाव में बैठते हैं वो भाव के सिग्निफिकेशंस को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और पुण्य ग्रह क्या करते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी हाउस में बैठते हैं, उस जगह का जो सिग्निफिकेशंस है उसको वो इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, इनके हॉरोस्कोप में सिक्स हाउस में सैटर्न और राहु है। सिक्स हाउस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज। अब एनिमीज जो होते हैं वो आपको सिक्स हाउस से देखने को मिलेंगे, आपके जितने भी एनिमीज। अब यहाँ पर सिक्स हाउस में सैटर्न और राहु है। राहु एक ऐसा दुश्मन होता है जो बैकग्राउंड से आता है, कभी भी सामने से नहीं आता, पीठ पीछे वार करता है। तो ये यहाँ पर वो दिखा रहा है। अगर आप कृष्ण के चरित्र पढ़ेंगे तो थ्रू आउट द स्टोरी सब बैकग्राउंड से ही मारने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही भगवान कृष्ण को कंस असुर भेजते भेजते, पीठ पीछे से असुर भेज रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। और जरासंध का भी अगर अगर आप वो कथा सुनोगे तो उसमें भी सेम फॉर्मेट आ जाता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण को अटैक करता है बैकग्राउंड से, पीछे से आता है मारने के लिए, बार बार
बार बार बार बार बार बार, और लेकिन हर बार भगवान कृष्ण जीतते हैं। वो क्यों दिखा रहा है? बिकॉज वहां पर सैटर्न है सिक्स हाउस में। सैटर्न सिक्स हाउस में एनिमीज तो देगा, लेकिन एनिमीज से विजय भी दिलाता है, उसको अजेय बना देता है। सो यहाँ पर ये एक सिग्निफिकेशन आ गया। अभी लग्न देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर मनोहर बोला गया है, तो सुंदर मनोहर भगवान कृष्ण के लग्न में चंद्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। चंद्र यहाँ पर एग्जाल्टेड चंद्र है। आगे ये बताऊंगा कि ये क्यों होता है। हर एक ग्रह का एक एग्जाल्टेशन पॉइंट होता है। अब इधर ही तीन चार एग्जाल्टेशन पॉइंट्स है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जुपिटर का एग्जाल्टेशन पॉइंट है यहाँ पर कर्कटक राशि। यहाँ पर कैंसर दिख रहा है आपको, केकड़े वाला सिंबल। तो ये जो जगह है यहाँ पर जुपिटर ही एग्जाल्ट होता है। ये टॉरस राशि है, अगर आपको बुल दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर चंद्र ही एग्जाल्ट होता है। यहाँ पर मार्स है, मार्स मकर राशि में है। मकर राशि में मार्स एग्जाल्टेशन में आ जाता है। एग्जाल्टेशन मतलब एक वो ग्रह का जो क्वालिटीज है वो पीक पे होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड यहाँ पर एक और पते की बात है कि जो पाप ग्रह है उन अगर वो एग्जाल्टेड हो जाते हैं तो उनका जो मेलिफिक नेचर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उनका मेलिफिक नेचर बढ़ता है जब उनका कोई डेबिलिटेशन पॉइंट में हो, एनिमी साइन में हो, वीक हो, तो ये जाके और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं ये इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी अब बेस ये पकड़ लीजिए कि जहां पर भी पाप ग्रह है वो भाव की सिग्निफिकेशंस को वो एकदम खत्म सा कर देता है, एंड जिस भाव में पुण्य ग्रह होते हैं वो बराबर कर देता है, उस चीज को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। अब यहाँ पर पापक ग्रह कौन कौन है देखते हैं। यहाँ पर पापक ग्रह है केतु, फिर आ गया सैटर्न एंड राहु, फिर मार्स आ गया। सूर्य को पापक ग्रह नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सूर्य पापक ग्रह भी है और पुण्य ग्रह भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदय ब्रह्म स्वरूप, मध्याह्ने महेश्वरा, सायंकाले स्वयं विष्णु, त्रैरूपम दिवाकर। तो मॉर्निंग का जो सनराइज होता है उसकी जो किरणें होती है सूर्य की, वो काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वही अगर दोपहर को आप निकलते हैं 12 बजे वाले दिन, सो ब्रेन स्ट्रोक होने का भी चांसेस होता है। सो ये डिफरेंस भी आ जाता है। तो इसके वजह से सूर्य एक पाप ग्रह भी है और पुण्य ग्रह भी है। तो अपने लॉजिक के हिसाब से इस चीज को जज करके डालना चाहिए हर एक सिचुएशन। एक यहाँ पर टिप देना चाहूंगा कि क्या है ना, अगर आप कोई भी रेमेडी, जैसे अभी सब लोग बोलते हैं ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, सबसे बेस्ट रेमेडी है विष्णु सहस्त्रनाम। यहाँ पर पते की बात यह है कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और शंकराचार्य, इन तीनों लोगों ने स्पेसिफिकली विष्णु सहस्त्र नाम को ग्लोरीफाई किया है ना। शिव सा अभी महाभारत, तो महाभारता में शिव सहस्त्र नाम भी आता है, सूर्य सहस्त्र नाम भी आता है, दुर्गा स्तव भी आता है, लेकिन तीनों लोग सिर्फ एक विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बोलते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम ही बेस्ट है। तीनों लोग एक रेमेडी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, दैट इज विष्णु सहस्त्र नाम। अब विष्णु सहस्त्र नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज इसमें 1000 नाम होते हैं, ठीक है। और इसका हमें क्लू एक मिलता है कि महर्षि पराशर बृहत पराशर में बोलते हैं, रामो अवतार सूर्य से, चंद्र से अधुनायक, नृसिंहो भूमिपुत्र से, बुद्ध सोम सुताय च, वामनो विबुधे जश्च, भार्गवो भार्गवस्य च, कूर्मो भास्कर पुत्र से, सौभिकेय शिशुकर, केतोर मीनावतारश्च, ये चान्येते घेटजा। सो यहाँ पर जो नवग्रह है, नवग्रह में हर एक ग्रह का अंतर्यामी भगवान राम से लेकर रामा, कृष्ण, नरसिंह, बुद्ध, वामन, परशुरामा, मत्स्य अवतारक विष्णु और कूर्म अवतारक विष्णु, और इसके साथ साथ एक और ग्रह आ जाता है मांझी, जिसको कल्कि बोलते हैं, रामनाथ आचार्य जी।
आपको उसका रेफरेंस ग्रह समीक्षा में मिल जाएगा। सो ये जो 9 ग्रह होते हैं, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम जप करते हैं, इनका इनकी शांति ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिकॉज एक तो ये जो ग्रह होते हैं, ये हमें पीड़ा देने के लिए नहीं आते, ये हमारे जो पाप पुण्य जो जो भी बैलेंस है उस चीज को दर्शाते हैं, दैट्स इट। सो उनका दर्शाने का मोटिव ही यही रहता है कि आप अध्यात्म ये सब छोड़िए और अध्यात्म में ज्यादा बढ़िए, ठीक है। और सो जितना हो सकता है उतना विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो अगर कुछ अच्छा सीखा है तो लेकर जाइए, अगर कुछ बुरा सीखा है तो यहीं पर छोड़ के चले जाइए। तो वही है, भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।